तो हेलो दोस्तों, होंडा साइन एस पी 125 BS6 और दोस्तों पल्सर NS 125 BS6 के अंदर आज फुल्ली कंपैरिजन करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और दोस्तों चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का आइकन आएगा उसको ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आप वीडियो को देखते रहिए और कौन सा बाइक आपके लिए बेस्ट होगा ये आप जाँच कर लीजिए। तो दोस्तों होंडा साइन एस पी BS6 में आपको दोनों वेरिएंट देखने को मिल जाता है। जब तक वेरिएंट के बात किया जाए तो दोस्तों वेरिएंट में आपको साइन एस पी 125 ड्रम ब्रेक मिल जाता है, और दोस्तों डिस्क ब्रेक भी आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों पल्सर NS में आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाता है जो है सिंगल डिस्क। तो सिंगल डिस्क आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है। और दोस्तों कलर की बात किया जाए तो दोस्तों कलर में आपको होंडा साइन एस पी में आपको 4 कलर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों रेड मेटालिक और स्ट्राइकिंग ग्रीन और पाल स्क्रीन ब्लू और ग्रे मेटालिक, दोस्तों ये चारों कलर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो पल्सर NS 125 BS6 में आपको चारों कलर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये कलर है आपको रेड, ब्लू, ऑरेंज और ग्रे कलर देखने को मिल जाता है। दोस्तों मैं दोनों बाइक का प्राइस भी बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये जो इसका प्राइस है होंडा साइन एस पी का एक शोरूम प्राइस है, आपको ड्रम वेरिएंट के जो प्राइस है ये है 77,800 रुपीज़ देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये जो डिस्क ब्रेक का जो वेरिएंट वाला जो बाइक है इसका एक शोरूम प्राइस है 82,100 रुपीज़। और दोस्तों पल्सर NS 125 BS6 में आपको डिस्क वाला जो वेरिएंट का प्राइस आता है ये है 93,500 रुपीज़। तो दोस्तों इधर आपको प्राइस में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाता है। तो अभी चलते हैं इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इंजन में आपको 125 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कोल्ड BS6 इंजन देखने को मिल जाता है होंडा साइन एस पी 125 में। और दोस्तों पावर की जो बात किया जाए तो पावर में आपको 7500 RPM देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मैक्स टॉर्क की जब बात किया जाए तो दोस्तों मैक्स टॉर्क में आपको होंडा साइन एस पी में 6000 RPM पर देखने को मिल जाता है। तो अभी फिलहाल ये जो गियर फंक्शन है, गियर फंक्शन में आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अभी चलते हैं जो पल्सर NS 125 BS6 है इसका इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो इंजन है आपको 124.4 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों 4-स्ट्रोक 2-वाल्व सिंगल सिलेंडर का इंजन इधर देखने को मिलता है, एयर कोल्ड DTS BS6। तो पावर के बारे में इधर बात किया जाए तो मैक्स पावर इसका है 8500 RPM। और दोस्तों इसका जो टॉर्क का बारे में बात किया जाए तो दोस्तों टॉर्क में इसे 7000 RPM देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका गियर बॉक्स के बारे में जब बात किया जाए तो दोस्तों गियर बॉक्स में आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों दोनों में ही 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। और दोस्तों फ्यूल सिस्टम की बात किया जाए तो दोस्तों आपको साइन एस पी में फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जो पल्सर NS 125 में आपको टोचॉक इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर देखने को मिल जाता है। तो इधर एक आपको कंपैरिजन देखने को मिल जाता है। और स्टार्टिंग की बात किया जाए तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपको 125 होंडा का जो साइन एस पी है इसमें आपको स्टार्टिंग में किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मिल जाता है। और दोस्तों पल्सर NS 125 में आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मिल जाता है। तो दोस्तों इधर माइलेज की बात किया जाए तो दोस्तों माइलेज की बात में अभी जो साइन एस पी है इसका माइलेज ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो पल्सर NS 125 में आपको ऑटो चॉक देखने को मिल जाएगा। इधर जो होंडा साइन एस पी है इधर आपको फ्यूल टैंक में 2 लीटर फ्यूल रखना पड़ेगा। और दोस्तों पल्सर NS 125 जो BS6 वेरिएंट है इसमें आपको कोई भी पेट्रोल जो ख़त्म हो जाता है इसके बाद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इधर एक आपको कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ओएट की बात किया जाए तो दोस्तों ओएट में आपको 1
18 kg का जो साइन एस पी है इसका वेट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों पालसर एन एस में आपको वेट की बात किया जाए तो दोस्तों वेट में आपको 144 kg का वेट इधर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों लगभग इधर आपको 26 kg एन एस भारी देखने को मिल जाता है। सो इसलिए इसका भी जो माइलेज है ये थोड़ा डाउन हो जाता है। और दोस्तों ये जो साइन एस पी है होंडा का इसका जो माइलेज है ये आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों फ्रंट सस्पेंशन की बात किया जाए तो दोस्तों दोनों बाइक का जो फ्रंट सस्पेंशन है ये आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिल जाता है। और दोस्तों रेयर सस्पेंशन की बात किया जाए होंडा साइन एस पी का तो इसमें आपको हाइड्रोलिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो आपको पल्सर एन एस 125 BS6 में आपको जो रेयर सस्पेंशन में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों व्हील की बात किया जाए व्हील और टायर के बारे में तो दोस्तों आपको होंडा साइन एस पी में आपको 18 इंच का जो व्हील देखने को मिल जाता है। और दोस्तों फ्रंट टायर फ्रंट और रेयर में आपको टायर 80x100 का टायर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों पल्सर एन एस 125 BS6 में आपको व्हील और टायर के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इधर आपको 17 इंच का ये टायर व्हील देखने को मिल जाता है। और दोस्तों फ्रंट और रेयर में फ्रंट में आपको जो टायर मिलता है ये है 80x100 का टायर मिलता है। और दोस्तों रेयर में आपको 100x90 का टायर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ब्रेक की बात किया जाए तो दोस्तों ब्रेक में आपको फ्रंट में जो डिस्क देखने को मिलता है होंडा साइन एस पी 125 में। और दोस्तों रेयर में आपको 130mm ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। और दोस्तों पल्सर एन एस 125 BS6 में आपको ब्रेक के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों ब्रेक में आपको फ्रंट ब्रेक्स 124mm डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। और दोस्तों रेयर ब्रेक में आपको 130mm ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अभी लाइट के बारे में लाइट सेटअप के बारे में जान ले। आपको हेडलाइट में एलईडी बल्ब देखने को मिल जाता है एलईडी लाइट। और दोस्तों टेल में आपको नॉर्मल बल्ब देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जब तक पल्सर एन एस 125 BS6 के बारे में बात किया जाए तो इसका जो हेडलाइट है ये हेलोजन बल्ब के साथ देखने को मिल जाता है। और दोस्तों टेल में आपको एलईडी लाइट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मीटर कंसल्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों दोनों का ही जो मीटर कंसल्ट है वो अलग अलग है। तो दोस्तों मीटर कंसल्ट में आपको साइन एस पी का जो मीटर कंसल्ट है ये आपको डिजिटल कंसल्ट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जो ये पल्सर एन एस 125 में आपको एनालॉग कंसल्ट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जब तक फ्यूल टैंक के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों फ्यूल टैंक में आपको जो पल्सर एन एस 125 में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। और दोस्तों होंडा साइन एस पी में आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये था इसका फुल्ली कंपैरिजन। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ तो दोस्तों आपके पास एक बाइक है और दोस्तों और एक बाइक आप लेना चाहते हो तो दोस्तों आप ये कॉलेज जाने के लिए या कहीं पर ऑफिस जाने के लिए तो आप ये पल्सर एन एस 125 BS6 वेरिएंट ले सकते हो। नहीं तो दोस्तों फैमिली के लिए लेना चाहते हो तो दोस्तों आप होंडा साइन एस पी 125 BS6 वेरिएंट ले सकते हो। तो दोनों बाइक बहुत बढ़िया है। तो दोनों बाइक का जो अच्छा चीज़ है और बुरा चीज़ है मैं बता दिया। तो आपके ऊपर डिसीजन है आप कौन सा बाइक लेना चाहते हो। चलिए दोस्तों और एक वीडियो के साथ मिलते हैं और एक नया बाइक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।